हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। तो रजनी ज्वेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम और हमारा बन रहा है नाश्ता। तो आजकल कुछ इसी तरह से नाश्ता बन रहा है, सब्जी रोटी बहुत कम ही बन रही है। तो यहाँ पे बना लिया है मैंने ऑमलेट और उसमें भी एग वाइट बनाया है और पीला पार्ट नहीं रखा है उसमें। तो इस तरह से मैंने आज ब्रेड और ऑमलेट बना लिया। थोड़ी सी सब्जी थी वो भी उस पर लगा दी है और अब बन रही है चाय। साथ में चाय भी बना लूँगी मैं। तो सुबह का सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब कुछ। और अब है नाश्ते का टाइम, तो बस अब नाश्ता कर लेंगे बैठ के आराम से और फिर होंगे और काम आगे के। तो आओ दोस्तों, आप भी पी लो हमारे साथ चाय। तो इनको दे दिया था मैंने नाश्ता, उन्होंने नाश्ता कर लिया है। तो आज बहुत दिनों बाद ऑमलेट बनाया था। तो मुझे ज़्यादा तो पसंद आता नहीं है ऑमलेट वगैरह, और बाकी और नॉन वेज नहीं खाती मैं, सिर्फ अंडा भी नहीं खाती थी, लेकिन अब शुरू किया है कुछ समय से। लेकिन इसके बाद भी मुझे थोड़ा एसिडिटी हो जाती है तो मैं खाती नहीं हूँ। और इनको भी कम ही देना है आजकल। और अब आ गई थी बहन जी। तो बहन को मैं बोल रही थी कि चाय पी लो, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने बना के रखी है, ले आती हूँ अपनी चाय। तो उसके बाद वो अपनी चाय लेके आ गई, फिर दोनों ने बैठ के यहाँ पे चाय पी। और अभी उसने नाश्ता नहीं किया था, तो थोड़ा सा कुछ दे दिया साथ में खाने को। तो साथ साथ बैठ के यहाँ पे बातें भी करते जा रहे हैं और अपना नाश्ता भी करते जा रहे हैं। तो सुबह का काम धाम निपटाने के बाद दोनों थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे और नाश्ते के साथ साथ गप सप हो रही थी। तो आज जा रहे हैं बहन के किराएदार। तो वैसे तो अभी उनसे खाली ना करवाते, पर इस समय हमारी मजबूरी है, घर में शादी है, तो इस वजह से थोड़ा फिर परिवार भी बढ़ता है, तो इस चक्कर में उनसे खाली करवाना पड़ रहा है। आस पास ही जा रहे हैं। कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ से जाके? कैसे लगेगा? अच्छा अच्छा लगेगा है? नहीं। तो यहाँ पे शुरू हो गई थी इनकी पैकिंग, तो हम आ गए थे थोड़ी देर ऊपर। कौन सा हनी है, तुम पहचान लेती हो हनी बनी को? वो सोच रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये हनी और ये बनी, हम तो ये हनी बनी ही बोलेंगे दोनों को। दोस्तों आज बहन के किराएदार खाली कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी की शादी है, तो इसलिए अभी सफाई पुताई होगी, तो इस वजह से खाली करवाना पड़ रहा। तो बहन आज कैसा लग रहा तुम्हें? रोना आ रहा है। और ये देखो बेल कितनी फैल गई है, देखो जरा क्या भर गया पूरा। थोड़ी थोड़ी कटिंग करवानी पड़ेगी पूरा यहाँ से, ये भर गया है। तो ये है बहन का पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला। फेंक तो नहीं दिया नीचे? स्कूटर गाड़ी। तुम्हें आंचल कितने साल हो गए? आंटी 6 साल हो गए। 6 साल सितंबर में 6 हो जाएंगे। हाँ,
छह साल पूरे हो जाएंगे इनको। वही तो। और छह साल में कितने बच्चे आ गए तुम्हारे घर में? तीन। दो वहाँ आए, पांच बच्चे आ गए, दो दो जुड़वा और एक। अरे नौना कितने साल का था तब? डेढ़ साल का। ये डेढ़ साल का था जब इस घर में आया था। दूर नहीं जा रहे, यहीं आसपास जा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, पर मजबूरी है। चलो जी फिर आते हैं। और नीचे है ट्रक खड़ा, ये इसमें होगा अभी लोड सामान। और बारिश भी हो रही है, मौसम एकदम गड़बड़ हो रहा है। और जूली फरमा रही है आराम। बाहर पूरी कीचड़ कीचड़ हो रही है, देखो जरा कितने काई लगी हुई है। ब्लीचिंग पाउडर भी डाला था लेकिन पूरे में काई हो रही है। और ये भी देखो पत्ते आने लग गए, तो ठीक चल रहा है ये भी जो मैंने लगाया था गुलदाउदी। जंगल हो रहा है पूरा जंगल। क्या कर रही हो बहन? क्या बन रहा है दाल? क्या बन रही है? अच्छा दाल भात। ये जी सामान पैक हो गया है, इधर आधा रख दिया है ट्रक में। और बारिश शुरू हो गई है दोस्तों। जब घर में कोई आता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब घर छोड़ के जाते हैं तो तब थोड़ा दुख तो होता ही है। और हम भी पूरी ज़िंदगी नौकरी में ऐसी करते रहे। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और अपने कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तार नहीं टूटनी चाहिए बिजली की। हाँ हमारी तार है। ध्यान से ध्यान से भैया, ध्यान से। हाँ अभी तो और आएगी ना। भैया पीछे का फंसेगा इसका डोला देखना। अरे बहुत बहुत तार हैं, बहुत ज्यादा। चला।